स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज हम बात करेंगे एम्ब्रॉयडरी मशीन की, जिसमें आप मल्टीपर्पज़ काम कर सकते हैं। इस मशीन में आप पीको कर सकते हैं, फॉल लगा सकते हैं, नॉर्मल सिलाई कर सकते हैं, जिगजैग कर सकते हैं। एम्ब्रॉयडरी तो ये मशीन करती ही है, जिसे हम कढ़ाई बोलते हैं। जो भी मशीन जिसमें भी ये घड़ी वाली सेटिंग होती है, उसमें आप सारा काम कर सकते हैं। सभी मशीन में एक जैसी सेटिंग होती है। यहाँ से टांका सेट होता है, छोटा बड़ा, ये देख लीजिए आप। यहाँ से टांका सेट कर सकते हैं, छोटा बड़ा, और ये घड़ी वाली सेटिंग है। मशीन को लेफ्ट राइट चलाती है, और ज़ीरो पे आने के बाद हम इसमें नॉर्मल सिलाई कर सकते हैं। तो आज हम इसमें मल्टीपर्पज़ काम करके आपको दिखाएंगे। तो इसमें पहले पीको का बूट लगा हुआ है, हम पीको करते हैं, फिर नॉर्मल सिलाई, जिगजैग, एम्ब्रॉयडरी का भी बताऊँगा मैं आपको। चलो शुरू करते हैं। पहले हम पीको करेंगे। इस कॉर्नर को थोड़ा राउंड कर लेंगे। साड़ी हो या चुन्नी हो, अगर आपने इस कॉर्नर को गोल करना है तो हल्का सा इस कॉर्नर को ऐसे कट कर लेंगे। ये कॉर्नर हमने कट कर लिया। अब इसको हम ये बूट ऊपर करेंगे यहाँ से, और इसको पीको मशीन में ऐसे थोड़ा सा इस कपड़े को इधर से फंसा देंगे। ओके, धीरे धीरे मशीन को चलाएंगे। इस कॉर्नर को पकड़ के रखना है, बिल्कुल गोल हो जाएगा। जितना कपड़ा ज़्यादा दबाएंगे उतनी पीको मोटी आएगी, जितना कपड़ा कम दबाएंगे उतनी पीको पतली आएगी। ये देखो, ये कॉर्नर हमारा गोल हो गया। ऐसे ही साड़ी चुनने पे आप इसको राउंड कर सकते हैं, बिल्कुल पीको एकदम ओके है। ये देखो आप, सिलाई एकदम ठीक है। ये हमने पीको की है, अब हम इस पर नॉर्मल सिलाई आपको करके दिखाएंगे। ये बूट आप देख रहे हैं, इस बूट से आप नॉर्मल सिलाई कर सकते हैं, फॉल लगा सकते हैं, और जिगजैग वाली सिलाई भी कर सकते हैं। तो पहले इसमें पीको का बूट लगा हुआ था, अभी इसमें बूट चेंज करते हैं। पहले इसमें हमने बूट चेंज करना है। ये हमने बूट इसमें लगा दिया। इस बूट से आप फॉल भी लगाएंगे, नॉर्मल सिलाई भी कर पाएंगे। बूट ऊपर किया, ये हमने कपड़ा रखा यहाँ पे। नॉर्मल सिलाई के लिए हमारी ये घड़ी की सेटिंग, हमें नॉर्मल सिलाई के लिए ये जो घड़ी की सेटिंग है हमें ये चेंज करनी होगी। इसको बिल्कुल यहाँ पे ज़ीरो कर देंगे। ये इधर से चेंज होती है, ये एक ये नट दिया हुआ है, इसको जैसे ही आप लूज़ करेंगे, ये हमने लूज़ किया, ये अपने आप यहाँ से घड़ी आपकी ज़ीरो पे आ जाएगी। अब इसमें नॉर्मल सिलाई होगी, इसको थोड़ा सा टाइट कर देंगे। अब इसमें नॉर्मल सिलाई हो रही है, बिल्कुल सिलाई मशीन के जैसे, नॉर्मल सिलाई मशीन के जैसे सीधा, बिल्कुल स्ट्रेट सुई चल रही है। एम्ब्रॉयडरी और पीको के टाइम, जिगजैग के टाइम ऐसे ऐसे सुई चलती है लेफ्ट राइट। अभी ज़ीरो करने पर इस घड़ी को हमने ज़ीरो पर कर दिया, तो अब बिल्कुल ये जो हमारी सुई है ये बिल्कुल स्ट्रेट चलेगी ऐसे। ये देखो आप देख रहे हैं, जैसे सिलाई मशीन की तरह, ये देखो बिल्कुल धागा सीधा चलेगा। ये देखो इस पे हमने सिलाई मशीन की तरह बिल्कुल सीधा एकदम चलेगा। ये बहुत बारीक टांका आ रहा है, आप देख रहे हैं बहुत बारीक टांका आ रहा है। इसमें टांके को छोटा बड़ा करने के लिए हम लोग यहाँ से सेटिंग करेंगे। अभी ये दो पे है, इसको लूज करते हैं। इसको जितना आपने टांके को छोटा करना है उतना हमें इसको नीचे करना है, और जितना खोलना है उतना ऊपर करना है। अभी इसको हम तीन पे कर लेते हैं। तीन पे हमने इसको करके टाइट कर दिया। अभी हमने सेटिंग वहाँ से टांके की तीन पे कर दी है, बिल्कुल स्ट्रेट सिलाई आ रही है। अब आप देखेंगे टांका खुला हो गया। यहाँ पे हमारी सेटिंग दो पर थी, तो उसमें ये वाले बारीक टांके आ रहे हैं, और यहाँ पे हमने इसको तीन पे किया, तो ये हमारा बखिया जो है वो बड़ा हो गया। यहाँ पे दो पे और ये तीन पे। अब हम जिगजैग वाली सिलाई आपको करके दिखाते हैं। जिगजैग लेफ्ट राइट जब मशीन चलती है उस दौरान आपको ये घड़ी वाली जो सेटिंग है आपको
तीन पे रखनी है, यहाँ पे लाके तीन पे लाके इस नट को आप यहाँ से टाइट कर देंगे। अब आपको इसमें जिग जैग करके दिखाते हैं, जिग जैग वाली सिलाई, ये देखो ये हमारी जिग जैग वाली सिलाई आ रही है। अब इसमें टाँका अगर इसको कम करना है या ज़्यादा करना है तो ये हमारा यहाँ से इसको बखिया को सेट करना होगा। इसको हम लूज़ करते हैं, तीन पे से इसको हम अगर दो पे ले आते हैं, यहाँ हमने इसको दो पे ला के टाइट कर दिया। अब हमारा टाँका देखते हैं कितना छोटा होगा। ये देखो यहाँ पे टाँका बखिया की जो हमारी सेटिंग थी वो तीन पे थी, टाँका खुला है, और यहाँ हमने बखिया की सेटिंग दो पे कर दी, तो टाँका जो है वो छोटा हो गया। आप देख सकते हैं कितना अच्छा डिज़ाइन बना है। ये किसी भी कलर वाले धागे से आप डिज़ाइन बना सकते हैं। यहाँ पे टाँका छोटा है और यहाँ बड़ा है। तो सेटिंग आपने देख ली, घड़ी की सेटिंग तीन पे है, और अगर बड़ा करना है आपने तो इसको चार पांच पे कर सकते हैं। तो लेफ्ट राइट ऐसे ऐसे चलेगा और बड़ा टाँका आएगा इधर, और बखिया से छोटा बड़ा टाँके को कर सकते हैं। ये सिंपल सिलाई है, ये बारीक टाँका था, फिर हमने बखिया थोड़ा बड़ा किया तो ये टाँके आए, देख सकते हैं आप बड़े। उसके बाद हमने जिग जैग वाली सिलाई की, फिर हमने बखिया का जो टाँका है उसको छोटा किया तो वो ये वाला डिज़ाइन बनाती है। तो मल्टी फंक्शन ये मशीन है, आप इस पर पिको भी करके हमने देखा था, पिको भी बहुत अच्छी आई थी, पिको हमने किया था इस पर, आप इस पर पिको भी कर सकते हैं, ये पिको हमने किया था इस पर, बिल्कुल गोल और अच्छा पिको हुआ। उसके बाद हमने इस पर सिंपल सिलाई भी करके आपको दिखाया, जिग जैग भी करके दिखाया, और उसके बाद हमने टाँका कैसे छोटा बड़ा करते हैं ये भी आपको बताया। इसमें हम फॉल भी लगा सकते हैं। एम्ब्रॉयडरी मशीन जो भी है जिसमें ये घड़ी वाला फंक्शन है उसमें आप नॉर्मल सिलाई भी कर सकते हैं, फॉल भी लगा सकते हैं, कढ़ाई भी कर सकते हैं, और सेटिंग मैंने आपको बताया। नॉर्मल सिलाई के लिए सेटिंग हमारी ये रहेगी, ये घड़ी का जो है एरो है बिल्कुल ज़ीरो पे आ जाएगा, इधर ज़ीरो पे। उसके बाद बखिया आप छोटा बड़ा, टाँका आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। यहाँ से आपको अगर टाँका लेफ्ट राइट लेना है, जैसे एम्ब्रॉयडरी होती है, कढ़ाई होती है, जिग जैग जो सिलाई होती है, उसके लिए आपको तीन ढाई चार अपने किसी भी कपड़े पे आप मशीन चला के देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ये देख लीजिए, सिंपल सिलाई, जिग जैग वाली, टाँका छोटा बड़ा, सब हमने करके दिखाया है। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।